आईटी स्पेस आज लाइमलाइट में रहेगा, यूके में आज से जो वीजा फीस है वो बढ़ेगी, तो नजर रखिए लार्ज कैप मिड कैप दोनों ही आईटी स्टॉक्स पर। कल हमने खरीदारी देखी भी थी इस पूरे ही स्पेस में, हालांकि माइटी जैसे स्टॉक्स अर्निंग्स को लेकर थोड़ी वार्निंग जारी कर चुके हैं। परसिस्टेंट केपीआईटी से अगर मिड कैप की बात करें तो अच्छे अर्निंग्स की होप है। टीसीएस पर कई एक ब्रोकरेज फर्म्स की रिपोर्ट्स भी हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि क्वार्टर फोर नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं, लेकिन प्योरली अर्निंग पर्सपेक्टिव से भी और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी कौन से वो सेट ऑफ स्टॉक्स है मिस्टर महाजन जो आप चेस करने की सलाह देंगे? देखिए, अगर आप ब्रॉडली आईटी स्पेस को देखें तो लास्ट ईयर नास्कॉम हैड रिकमेंडेड ए ग्रोथ ऑफ समथिंग लाइक 12-14%। एक्सपेक्टेशन इज ग्रोथ फॉर द ईयर इज गोइंग टू बी एट द लोअर एंड ऑफ द बैंड। फॉर नेक्स्ट ईयर द ग्रोथ प्रोजेक्टेड इज इन द रीजन ऑफ 10-12%। अगेन द फ्रंटलाइन कंपनीज शुड बी ग्रोइंग बेयरली बाई 10% और देयर अबाउट। At 10%, it does not create a lot of excitement. The valuations are already rich. There are a lot of stocks outside this space which offers huge potential. So, trading ke lihaz se alag baat hai, lekin investment ke hisab se, we are not looking at this space at all.